अस्सलाम वालेकुम जी, डिजिटल प्रेस टीवी के प्रोग्राम गपशप स्टेशन में आपका मेज़बान उस्मान फ़ानी एक बार फिर से हाजिर मजलिस। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टूडियोज़ में एक ऐसे प्यारे से शख्स को जो कि एक गुलकार है, जो अपने आवाज़ की लह से इस मुआशरे में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन डाले। एक नौजवान है, बहुत प्यारे से शख्स है। तो वक्त ज़ाया किए बिना हम उनकी तरफ चलते हैं और आपको मिलाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वाले सलाम जी। एस के कैसे हैं आप? एस के मीर कैसे हैं आप? मैं ठीक, खैरियत से हैं? मज़े में हैं, ठीक ठाक है। अच्छा जी, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, बातों में जाया नहीं करते वक्त हो। सबसे पहले ये बताएं कि आप कब से गुनगुना रहे हैं या गा रहे हैं? प्रोफेशनली 2015 से। अच्छा, पहला आपको ऐसा कौन सा जो है ना, एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें बिल्कुल अट्रैक्ट करती है, आपको ऐसा क्या चीज़ लगा कि यार मुझे भी सिंगिंग करना चाहिए? 2010 में एक कज़न ऐसे ही कह दिया था कि आप थोड़ा बहुत आते हो, असलम से मिलते हो। तो मैंने उनके बारे में मालूमात, कहते हैं ना कि आप नहीं जानते थे उस टाइम पे? बिल्कुल नहीं जानता था। जबरदस्त। उसके बाद जानना शुरू किया और फॉलो करना शुरू कर दिया। गुड, हो गया। तो ये बताएं कि आपने खुद कभी आतिफ असलम से आपकी मुलाकात हो चुकी है या नहीं? नहीं, कभी नहीं। ख्वाहिश है लेकिन मिली नहीं। ख्वाहिश है, मिले नहीं। अच्छा, कितने सॉन्ग्स आप इस टाइम तक गा चुके हैं? 6-7 सॉन्ग्स आप गा चुके हैं। सिर्फ उर्दू में गाते हैं या किसी और जुबान में भी? अभी नया एक इंग्लिश गाना भी गाया था। इंग्लिश? वाओ, अमेजिंग। हम ऐसे करेंगे, कुछ आप गुनगुनाएं। हंसी का मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हंसी का मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। वाओ, अमेजिंग, ज़बरदस्त। तो हमारे साथ एस के मीर मौजूद हैं और अच्छे अच्छे मीठे मीठे अंदाज से जो है ना, इनके हम सॉन्ग भी सुनते रहेंगे, इनके जो अल्फाज हैं, जो इनकी आवाज़ है, इनकी आवाज़ की जो लय है, ताल है, वो भी सुनेंगे। और ज़रा देखें यार, आजकल के नौजवान बड़े जो है ना तेज़ होते हैं। एस के, मैं कुछ गुनगुनाऊँगा, आपने बताना है ये किस फिल्म का गाना है, ठीक है? ओके, ठीक है, गुड। अच्छे बच्चे। तू के ना वाकिफ है, आदाब गुलामी है, अभी रख से जंजीर पहन कर ही किया जाता है। बताएं जी। आई थिंक जंजीर फिल्म का। जंजीर फिल्म का। ओह, ज़बरदस्त, तालियां तालियां। आपको मैं अवार्ड दूँ? ये जंजीर फिल्म का गाना नहीं है ये जी, पाकिस्तानी फिल्म। पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं आप? बिल्कुल नहीं। गाने सुनते? बहुत कम देखते। नहीं नहीं नहीं, मेहदी हसन साहब की आवाज़ में हमें कुछ सुनाए। नहीं गा सकता। सोच रहे हैं भाई, और बहुत ख़तरनाक तरीके से सोच रहे हैं। जब तक इनकी जो है ना ख्याल आता है, हम आपको बताएं कि ये गाना जो है ना, जो हमने गुनगुनाया, ये किस फिल्म का है? ये जी जरका फिल्म का है, और ये बहुत एक ओल्ड पाकिस्तानी जो है ना, एक इंटरनेशनल फिल्म हुआ था, और इस पर जो है ना बड़ी बड़ी अवार्ड्स मिले थे। जरका फिल्म जी, आप गाए ना। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में ओंदे ना फासले, ए नाराजगी काजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दिया गल्ला, करांगे नाल नाल बैके अक नाल अक नू मिला के दिल दिया। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत माशाल्लाह, एक बेहतरीन, एक मीठी सी आवाज़ है आपकी, सुरीली सी आवाज़ है, सुकून मिलता है आपकी आवाज़ सुन के। अच्छा, ये बताइए, ये क्यों यहाँ पे ऐसे खामोश बैठे हैं और मुंह फुलाए बैठे हैं? नाराज़ हैं आपसे? नहीं, बिल्कुल भी। तो उठाए ना इसको, थोड़ा सा हमें इनके बारे में भी सुनाए। दूर जितना भी तुम मुझसे तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में। सभी गाते हैं,
हटा दो मेरे, हटा दो मेरे, बिल्कुल ये फील हो रहा था कि आतिफ असलम जो है ना गुनगुना रहे हैं और बहुत माशाल्लाह एनर्जेटिक गाते हैं आप। ये बताएं ऐसे कभी आपने बलोची या पश्तो सॉन्ग जो है ना गुनगुनाया है, यानी ऐसे गुनगुना मिलने? हाँ गुनगुनाया ज़रूर है, लेकिन लाइव नहीं, ऐसे ही घर में। पाकिस्तानी मेरे दिल के बहुत करीब पाकिस्तानी जो है ना सॉन्ग्स हैं, मैं चाहूँगा आप मुझे पाकिस्तानी कोई भी सॉन्ग सुना दें जिन्हें जमशेद साहब की आवाज़ में अगर आप सुना सकते हैं। छोटा सलाम बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, विदाउट गिटार। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सभी चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गाया। ओए ओए क्या बात है, क्या कहने, आप हमें जो है ना 90s के ज़माने में लेकर गए और एक अच्छा अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है। एक सॉन्ग आप इंग्लिश में भी गा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं, ये क्या है, क्यों है? इसमें जो है ना कुछ क्लिप्स आपने स्पाइडरमैन फिल्म के भी डाले हैं, ये क्या है, क्यों है? ऐसा है कि कोई एक दोस्त है वो ट्रांस म्यूज़िक बनाता है, तो उसने मुझे कहा था कि आप ना एक कोई एक इंग्लिश सॉन्ग गा दें, तो मैंने कहा ठीक है। कहते वो भी होना चाहिए स्पाइडरमैन के ऊपर, मैंने कहा ठीक है। तो मैंने लिरिक्स कहते हैं ना, मैंने वो किसी से लिखवा दिए, जो समझ आ रहा तो मैंने वैसे ही कंपोज करके गा दिए। और बेहतरीन इसके आपके दिल के करीब कोई एक ऐसा ट्रैक होगा, कोई एक ऐसा सॉन्ग होगा? अक्सर आप सॉन्ग मजनू किसने लिखा है? मकसूद ने लिखा था। मतलब हम ड्यूट करना चाह रहे थे तो छोटी सी लड़ाई होगी, तो हमने मतलब आप लोगों की अपनी कंपोजिशन है? बिल्कुल। अरे ज़बरदस्त, भाइयों की अपनी कंपोजिशन है और इनका अपना जो है ना सॉन्ग। बिस्मिल्लाह सुनाए, देर किस बात की? मुझको यकीन है कि वो आएगी ज़रूर, दिल को कहता हूँ कि मैं पाऊँगा ज़रूर, मिलेंगे अब तो सनम यूं, ओ जैसे लहलाते और मजनू। बस इतना छोटा सा। हाँ अच्छा जी, भाई ने मजनू सॉन्ग गुनगुनाया, आप यकीन करते हैं मुझे भी किसी की याद आ रही थी, किसी की यादों में हम लिखो गए थे इसके। अच्छा इसके जाते जाते अपने अख्तितामी अल्फाज में आप ये बताएं, कैमरे में देख के आप बताएं, जो नए सिंगर्स हैं यूथ हैं आज की जो, उनको आप बताएं कि क्या आप उनके लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे? सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि जितने भी यूथ हैं मेरे जैसे जो सीख रहे हैं और करना चाहते हैं कुछ, तो वो कभी हिम्मत ना हारे, जितना वो चाहते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनको मिल सकती है अगर वो करना चाहे। थैंक यू एसके मीर, आपके शुक्रिया, आपके वक्त का शुक्रिया, आपने अपने कीमती औकात से वक्त निकाला और इस स्टूडियो के रौनक बख्शी गिटार के साथ आ पाए और अपने मीठे मीठे जो है ना सॉन्ग हमें सुनाए। थैंक यू सो वेरी मच, हमारी तरफ से बहुत सारे बेस्ट विशेज आपको। दोस्तों प्रोग्राम गपशप स्टेशन हमारा और आपका जो है ना लगा रहेगा और हम अपने हर स्टेशन पे एक नए मेहमान के साथ आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक आने वाले नशिस्त तक हमें दिए इजाज़त, हमारे जो है ना पैनल प्रोड्यूसर्स को, हमारे जो है ना कैमरामैन, आईटी इंजीनियर्स, तमाम एक पूरी टीम को हमारी जो है ना इजाज़त दे। ज़िंदगी रही, सांसों में रवानी रही, एक और नशिस्त में हमारा और आपका सामना होगा। तब तक अल्लाह ने